हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और नहीं आ रहे हैं, तो अभी आपको एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से कौन सी गाइडेंस आ रही है। मैं आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं एंसेस्टर्स के कार्ड्स भी यूज़ करूँगी, तो आपको पता आपके लिए क्या गाइडेंस है बेसिकली, आप वो है ना फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट कार्ड्स है, मतलब हर जगह नहीं मिलते, और ये कार्ड से आपको गाइडेंस आ रही है तो बिलीव मी आपको लिए एक्चुअली गॉड आपके लिए ने बनाया है ये गाइडेंस, आपके लिए आपको देखने के लिए ही बनाया है। क्योंकि अगर आप ये मतलब ये कार्ड्स खुलते ही नहीं जल्दी से, खुल रहे आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है। इनर गाइडेंस इज़ रियल एंड ट्रस्ट वर्दी, मतलब आपको अंदर से जो आवाज़ आ रही है ना, आपके गॉड बोल रहे हैं, आपके आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं, आपके अंदर जो है वही आपकी गाइडेंस, आपको ट्रू गाइडेंस दे रहा है। उसको फील कीजिए और क्लियरली आंसर पूछिए, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, वो आपको आंसर डेफिनेटली मिलेगा। आपको आर्कएंजल माइकल ऐसा बोल रहे हैं, बिलीव एंड ट्रस्ट, मतलब अगर आपको बहुत बार ये चीज़ का आ रहा है कि डाउट आ रहा है कि मेरे पर्सन थर्ड पार्टी से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, तो आपको आर्कएंजल माइकल क्लियरली बोल रहे हैं बिलीव एंड ट्रस्ट, समझ रहे हो। बिफोर गोइंग टू स्लीप टू नाइट से आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ एंटर माई ड्रीम्स एंड रिप्लेस फियर विथ फेथ एंड ट्रस्ट, लेट मी बी फील्ड विथ स्ट्रेंथ करेज एंड कॉन्फिडेंस। मतलब आज रात को सोने जा रहे हो या कोई भी रात को आप सोने जाते हो एवरी नाइट को, तो आप उनसे पहले बोलिए कि मेरे अंदर ना एक ड्रीम्स में आके मुझे फेथ एंड कॉन्फिडेंस दीजिए और मेरा फियर को दूर कीजिए। आप उनसे इस तरह से हेल्प मांग सकते हैं। पॉजिटिव थाट्स क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट, मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि जब भी आप पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे यूनिवर्स में, आपको पॉजिटिविटी रिटर्न बैक मिलेगी। आप पॉजिटिव सोचते हो, फिर वापस अपने डाउट की या कन्फ्यूजन की एनर्जी वापस यूनिवर्स में भेजने जाते हैं, तो वो एनर्जी आते आते रुक जाती है आपके पास। तो कंटिन्यूस पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, ये आपको आर्कएंजल माइकल डेफिनेटली बोल रहे हैं। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, मतलब लाइफ में आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, या कोई आपको सपोज लव में भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए और एक्सप्लोर कीजिए, उनको डरिए मत। आपको यूनिवर्स यही बोल रहा, आपको एक्सप्लोर करना है, ऐसे नहीं कि हर सिचुएशन से भागना है, ये ऐसे नहीं। आपको मैंने अगर आपका मन नहीं मान रहा तो मत कीजिए, मतलब लव के लिए नहीं बोल रही, लेकिन एटलीस्ट कोई बिजनेस आइडिया या कोई जॉब आइडिया या कुछ क्रिएटिविटी में कुछ आपको करना है, आपको अगर आपको लग रहा है कि मैं ऑप्शन करूँ या अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करूँ, तो आप ये सब चीज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो आपको गॉड ये बोल रहा है, तो आपको आपके एंजल से आपको आंसर्स यही आ रहा है कि आपको अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे अपनी फैमिली रिलेशन से क्यों ना, उसको भी आपको फास्टेस्ट फर्स्ट सॉल्व करना चाहिए, ऐसे आपको गाइडेंस गॉड से आ रही है। तो आप लोग फॉलो कीजिए, ये एंजल्स कार्ड्स है। मैं पहले एंजल्स के सॉरी मैं पहले एंजल्स के सारे रीडिंग्स कर लेती हूँ, फिर मैं एंसेस्टर्स कर लूँगी और फिर यूनिवर्स की तरफ से लूँगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको देखना है कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम का आपका कुछ क्वेश्चन है कि कब होगा चेंज, क्या होगा, तो आपका आएगा तो बार बार यही एंजल्स और आपको बार बार एक ही आंसर बोल रहा है, रिमेन पॉजिटिव। आपको भी पॉजिटिव रिमेन करना है। ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप जिस तरह सोच रहे हो वो डेफिनेटली चेंजेस आएगा। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आएगा, आपका देखो बेस का कार्ड ये है, तो डेफ़िनेटली आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव मुझे होते हुए दिख रहा है। अगर आपको बार बार डाउट्स आ रहे हैं ना, तो डाउट्स को निकालिए। और आपके एंसेस्टर्स उसके कार्ड भी कुछ खोल लेते हैं, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स है, ओरेकल कार्ड है इसका नाम है। आप लोग देखो ये कार्ड मैं आपको बता देती हूँ, एंजल्स एंड ओरेकल। अगर आप लोगों को ये इसमें से मैं आपके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ कि गॉड आपको क्या बोलना चाह रहा है बेसिकली। देखो एंसेस्टर के आपके ड्रिड होल्ड द स्पेस, मुझे लग रहा है आपके कोई बहुत ओल्ड एंसेस्टर है जो बहुत ही मतलब आपके फोर फादर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि वो आपके है ना आपके उनकी वजह से आपका कुछ काम नहीं हो पा रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो उनके पितरों के नाम से आपको कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जितने भी एंसेस्टर बहुत ओल्ड एंसेस्टर्स हैं जो ये उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, तो आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं वो, तो वो अपनी आत्मा की शांति के लिए अपनी वो आपसे मदद मांग रहे, ऐसे भी बोल सकते हो। और अदर अर्थ मदर का कार्ड है फील लव्ड एंड कंफर्टेड। जितनी भी आपकी मतलब आपकी मम्मी है, आपके पार्टनर की मम्मी है, जो भी आपकी फ़ीमेल एनर्जी आपके घर में है, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, मदर अर्थ की रिस्पेक्ट करना सीखिए। मतलब जो भी हमें एनवायरनमेंट है उसको स्वस्थ रखिए, उसको है ना ख़राब मत कीजिए। तो उस तरह से आप उनकी ब्लेसिंग लीजिए मदर अर्थ की। आपको इस तरह से कहा जा रहा है कि धरती माता भी एक माता होती है,
उसके भी ब्लेसिंग्स आप लोगों को लेना ज़रूरी है। बेसिकली आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, मतलब आपके जो सपोज कोई एंसेस्टर कर्स चल रहा है, एंसेस्टर पैटर्न आप लोग के घर में चल रहा है, तो उस एंसेस्टर कर्स को तोड़िए। ये खुद आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, क्योंकि एल्डर बोल रहे हैं मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। तो आपके जो भी एंसेस्टर पैटर्न चल रहा है, कि कुछ लोगों के घर में ऐसे होता है कि उनके ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती आ रही है, तो वो चीज़ को आप वो पैटर्न को तोड़िए कि नहीं हमको वही चीज़ ज़रूरी नहीं, हर चीज़ फॉलो ही करें, हम एक नया चीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको आपका एंसेस्टर का ब्लेसिंग लेना बहुत ज़रूरी है। एंसेस्टर ब्लेसिंग नहीं होती है तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि आपको सक्सेस एंड हैप्पीनेस डेफिनेटली मिलेगी, सन कार्ड आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको पहले ही अपना एंसेस्टर कर्मा जो भी है, जो भी चीज़ आपको क्लियर करने को कहा जा रहा है, स्पेशली आपके मैं बोल रही हूँ ना जो ओल्ड में आ चुका है, देखो इसमें पुराना ड्रुइड कार्ड आ चुका है होल्डर स्पेस, वो पुराने कोई आपके एंसेस्टर है जो आपके साइड के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको उनको मुक्ति दिलानी है बेसिकली, उनके नाम से आपको कुछ पूजा करानी है, ये भी आप करा सकते हो बेसिकली, मैं आपको ये बोल रही हूँ। और शील्ड मेडल मेक प्लान्स एंड फोकस, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली सोच रहे हैं, मतलब आपको खुद को प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप प्रोटेक्शन ले ही नहीं रहे हो एंसेस्टर का, उनको मतलब शांति नहीं कर रहे, तो आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? मतलब हमको कभी भी लाइफ में एक एंसेस्टर प्रोटेक्शन डेफिनेटली होती है, लेकिन हम जब उनका पितरों का करना बंद कर देते हैं, एंसेस्टर कर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, बोलते हैं ना पितृ दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो प्रोटेक्शन हमारे निकल जाता है। तो आपको प्रोटेक्शन लेने के लिए उनके नाम से करना बहुत ज़रूरी है, उनके नाम से पूजा कराना बहुत ज़रूरी है। मैजिक गार्डियन अनलॉक द मैजिक विद इन, आपके अंदर खुद के अंदर है वो, आप अनलॉक ना अपने अंदर का वो पावर लेके आइए, वो अनलॉक करने के लिए, अपने एंजल से हेल्प लेने के, अपने एंसेस्टर से हेल्प लेने के लिए, या किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लीजिए जो आपको है ना ये आपकी एंसेस्टर कर्मा से मुक्ति दिलाने में हेल्प करे। समझो अपने बड़े बुजुर्गों से घर में या अपने पेरेंट्स से कोई गाइडेंस लीजिए कि किस तरह से करना है, किसी उनको अगर उनको नॉलेज नहीं है तो किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस लीजिए जहाँ आपको गाइडेंस दे सके। सीयर सी बी ऑन द करंट सिचुएशन, मैं बोल रही हूँ ना देखो जिनके थर्ड आई चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। उसमें दिख रहा है कि वो पर्सन कैसे है, वो उनके अंदर शक्ति होती है कि वो आपका फ्यूचर देख के बता सकते हो, उन जैसे लोगों से भी आप हेल्प ले सकते हो बेसिकली। तो ये आपका कार्ड पूरा इसमें क्लियर आ रहा है कि आपको किसी की हेल्प की डेफिनेटली ज़रूरत है। घर में कोई इंसान है जो लेडी है जो आपको हेल्प कर सकती है, वो भी हो सकता है कि आपकी मम्मी हो या आपकी एल्डर सिस्टर हो या कि बुआ हो या भाभी हो, कोई आपको गाइड कर सकता है, या कोई ऐसे पर्सन से जो जैसे टैरो रीडर है या जो पूजा पाठ करवाते हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो बेसिकली। हाँ हम लोग गणेश जी के कार्ड भी खोल लेते हैं और ना साई बाबा के कार्ड भी एक एक खोल लेते हैं, सब एक एक ही कार्ड खोल लेंगे। होलनेस देखो आपका होलनेस आपका हार्ट चक्र बेसिकली एक्टिवेट करने की सख्त ज़रूरत है, तो हार्ट चक्र को भी एक्टिवेट कीजिए। मैं सब में से एक एक कार्ड ही ले रही हूँ, ज़्यादा कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, क्योंकि नहीं तो रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। और ना ये गाइडेंस है बेसिकली, तो सबके लिए अलग अलग गाइडेंस होती है, लेकिन इन जनरल रीडिंग है ये, तो आप अपना खुद का देख लीजिए। आपको आपके सिचुएशन में सेट हो रहा है तो आप ये चीज़ आपका हार्ट बोल रहा है तो आप फॉलो कीजिए। अप्रोचिंग गुरु, आपको हो सकता है कि कोई गुरु जैसे लोगों की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, उनकी गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आप बार बार फियर में आ जाते हो। जैसे अर्जुन कैसे फाइट करने से पहले एकदम डर जाता है और उसके हाथ पांव छूट जाते हैं, वो बोलता है कि नहीं मैं फ़ाइट नहीं कर सकता हूँ, मुझे इतना बड़ा धर्मधारी और इतना बड़ा बोलते हैं ना क्षत्रिय, वो डर जाता है। तो आपको भी उसको गॉड को अपना विराट रूप दिखाना पड़ता है, उसको गीता का ज्ञान देना पड़ता है। उसी तरह से शायद अगर आपको फियर आ रहा है आगे बढ़ने में या कुछ करने में, तो आपको किसी गुरु की सहायता लेनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा, आपके डाउट्स क्लियर करेगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहन देगा, ऐसे बोल सकते हो। देखो फेथ बार बार कर, हैव फेथ श्रद्धा अबव ऑल एल्स, मतलब फेथ हो ना, फेथ कैन मूव माउंटेंस, ऐसे बोलते हैं। आपने एल्केमिस्ट बुक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैं पॉल कैलो की, उसमें इंसान आपने देखा है कि वो जब इंसान में शक्ति होती है ना, अंदर की शक्ति फेथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है ना, तो वो अपनी आत्मा शक्ति से वो चीज़ों को हिला देता है, समझे, वो पत्थरों को भी हिला देता है। तो इसी तरह से आपको वो चीज़ करनी है, अपने अंदर की शक्ति को बहुत कॉन्फिडेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, वो आप करोगे तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो मूव माउंटेंस। आपको लगता है ना ये तो पत्थर जैसे हो गया, आगे बात सरकी नहीं रही है, ये हो गया वो हो गया, आपकी इच्छा शक्ति और आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर है जिसको आपको बाहर लाना है। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताइए कि आपको आज की रीडिंग बेसिकली लगी कैसे, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, ताकि मैं इस तरह की रीडिंग और करूँ कि नहीं करूँ।